हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा प्लस में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो क्रैश कोर्स की क्लासेस चल रही हैं हमारी ऑनलाइन, उसमें रीजनिंग क्लास में डिस्टेंस और डायरेक्शन देखेंगे, दिशा और दूरी। दिशा और दूरी, डिस्टेंस और डायरेक्शन से UP SSC काफ़ी अच्छा खासा सवाल पूछता है। जितने भी रिसेंट में एग्जाम हुए हैं आपके, मंडी परिषद हुआ, युवा कल्याण हुआ, जूनियर असिस्टेंट हुआ, जितने भी UP SSC एग्जाम कराती है अभी रिसेंट में 2019 में, उनमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो डिस्टेंस डायरेक्शन के हैं वो 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन ये आपसे डायरेक्ट पूछता है डिस्टेंस डायरेक्शन का। कभी ऐसा हो जाएगा आपको किसी ना किसी सेट में, किसी ना किसी पेपर में, कि आपका ये नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है डिस्टेंस डायरेक्शन के, ये बढ़ सकते हैं। बढ़ कहां सकता है? बढ़ ये सकता है वहां पे कि ये डिस्टेंस डायरेक्शन का यूज कर देता है। एक डाटा सफिशियंसी चैप्टर पढ़ेंगे आप लोग, आगे हम आपको पढ़ाएंगे डाटा सफिशियंसी में। जब डाटा सफिशियंसी में इसका यूज कर देता है तो एक दो क्वेश्चन डाटा सफिशियंसी में डाल देता है तो नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर बोला जाए डिस्टेंस डायरेक्शन से 5 या 6 हो जाते हैं। और कभी कभी किसी सेट में अगर डाटा सफिशियंसी में बाय द वे नहीं है क्वेश्चन डिस्टेंस डायरेक्शन का, तो उसमें 2 से 3 क्वेश्चन तो बेसिक वाले जो होंगे वो तो आपका रहेगा ही रहेगा। तो चलिए डिस्टेंस डायरेक्शन के कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन ये आते हैं कोई भी एग्जाम हो आपके। डिस्टेंस डायरेक्शन का जब भी हम ड्रॉ करेंगे तो डिस्टेंस में, डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों चीज लेके चलना है, दूरी और दिशा। तो उस केस में हम जब दिशा बनाएंगे, आप सभी लोगों को पता है कि हमारे पास जो मेन दिशा है ठीक वो 4 है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये 4 दिशा जो हमारी है वो मेन दिशाएं हैं ठीक, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। जब भी हम ड्रॉ करते हैं डायरेक्शन को किसी कागज पे तो हमेशा जो है दाहिने साइड में ईस्ट मानते हैं, ऊपरी साइड में नॉर्थ, नीचे उसके जस्ट साउथ, ईस्ट के जस्ट अपोजिट में वेस्ट। इसी में देख लेते हैं कि कुछ सब डायरेक्शन होते हैं। सब डायरेक्शन आपका जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच के डायरेक्शन को कहते हैं हम नॉर्थ ईस्ट ठीक, उत्तर पूरब, ईस्ट और साउथ के बीच के डायरेक्शन को कहते हैं हम साउथ ईस्ट, दक्षिण पूरब ठीक। और SE से रिप्रेजेंट करते हैं, साउथ और वेस्ट को कहते हैं साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट को कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। जितने भी ये डायरेक्शन हैं आपके, इन सबके बीच में जो मेन डायरेक्शन है, इन सबके बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है? 90 डिग्री पे ठीक, ये सब 90 डिग्री के होते हैं। और जितने भी सब डायरेक्शन हैं आपके, जितने भी सब डायरेक्शन है वो कितने कितने पे होते हैं? 45 डिग्री पे होते हैं ठीक। ये तो हो गया आपका डायरेक्शन के बारे में। अब इसमें जब क्वेश्चन आपसे आता है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है वो भी बताऊंगा कि कितने टाइप से इससे क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। उस पहले चलने से पहले इसमें जो रोटेशन होता है, जो मूवमेंट होता है, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे आपका टर्न के बारे में बात करें, राइट मतलब हो गया दाएं घूमने। जब भी आपको दाएं घूमना हो किसी भी डायरेक्शन में आप जा रहे हो, कोई भी व्यक्ति है समझ लीजिए वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, फिर दाएं घुमा, फिर वो अपने दाएं घुमा, अगर ऐसा बोला जा रहा है तो आपके पास सपोज करिए डायरेक्शन है, मेन डायरेक्शन में बना रहा हूं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। जब वो नॉर्थ की तरफ जा रहा था और वहां से दाएं घुमा, दाएं घूमे, घूमने का मतलब ये हुआ कि ये अपने, जैसे हम अपने रेफरेंस में लेते हैं कि मैं हूं नॉर्थ की तरफ फेस किया हूं, तो जो मेरा दाया होगा उसी टाइप पे टर्न करेंगे, तो मेरे दाहिने हाथ की तरफ मैं टर्न करूंगा तो ये हमारा राइट हो जाएगा, तो ये राइट टर्न हो गया ठीक। ऐसे ही कोई व्यक्ति ईस्ट की तरफ जा रहा है तो अगर राइट टर्न लेगा तो वो इधर घूमेगा ठीक है, तो वो साउथ तरफ पहुंच जाएगा। और नॉर्थ की तरफ जो जा रहा है वो राइट टर्न लेगा तो ईस्ट की तरफ, ऐसे साउथ की तरफ है कोई जो अगर राइट टर्न लिया तो वेस्ट की तरफ, और वेस्ट की तरफ है अगर राइट टर्न लिया तो वो कहां पहुंच जाएगा? नॉर्थ की तरफ। तो हम देख रहे हैं जो राइट टर्न हमारा होता है पूरा 90 डिग्री पे होता है। तो इसको हमेशा हम जब अपने रिफरेंस में लेते हैं
कि दाएं मुड़ना बाएं मुड़ना, तो कंफ्यूज हो जाते हैं, बार बार सोचते हैं कि अच्छा हम इस डायरेक्शन में है, तो दाएं मुड़ना मतलब दाएं हाथ इधर तो इधर, बाएं हाथ इधर तो बाएं हाथ इधर, इस तरह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। उस कंफ्यूजन का दूर करने के लिए हम आपको बता दें कि जो राइट टर्न होगा ठीक, वो आपका हमेशा क्लॉकवाइज होगा, हिंदी में जिसे बोलेंगे दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त डायरेक्शन में हम घूमेंगे। जैसे देखिए ये मूवमेंट कैसा है ठीक, ये पूरा क्लॉकवाइज मूवमेंट है। तो जब भी आपका कहे कि दाएं घूमने के लिए, तो आप जिस भी डायरेक्शन में हो बस क्लॉकवाइज सोचो कि मुझे दक्षिणावर्त घूमना है। ईस्ट में जा रहे हो राइट टर्न लेना है, तुरंत राइट। ये नहीं कि रेफरेंस लो कि मैं ईस्ट में हूं तो मेरा दाहिना हाथ इधर है तो ये राइट टर्न होगा ठीक। तो ये हो गया कि राइट टर्न मतलब क्लॉकवाइज कितने डिग्री पे मूवमेंट करेगा, 90 डिग्री पे ठीक है। ऐसा नहीं कि क्लॉकवाइज 45 डिग्री पे मूवमेंट करा दिए, यहां से अगर नॉर्थ में है तो 45 डिग्री पे करा दिए तो नॉर्थ ईस्ट पहुंच गया, नहीं। राइट टर्न मतलब क्लॉकवाइज 90 डिग्री ठीक, डायरेक्ट 90 डिग्री घूमेगा तो वो नॉर्थ में है तो सीधे ईस्ट की तरफ चला आएगा। अब आते हैं हम इसमें सब डायरेक्शन में देख लेते हैं कि सब डायरेक्शन का मूवमेंट कैसे होगा इसके। ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये आपका साउथ वेस्ट हो गया, और ये आपका डायरेक्शन हो गया साउथ ईस्ट, और ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। अगर हम इसमें मूवमेंट करें ठीक है, राइट टर्न करें, तो ये अगर राइट टर्न होगा, यहां से कोई बंदा अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है और राइट टर्न ले तो किधर जाएगा, देखो इस एरो की तरह ये जा रहा है एरो, इसका मतलब जैसे राइट टर्न लेगा वो साउथ ईस्ट की तरह जाएगा ठीक। ऐसे ही साउथ ईस्ट में कोई बंदा है, वो अगर राइट टर्न ले रहा है तो वो किधर जाएगा, साउथ वेस्ट में जाएगा। साउथ वेस्ट का बंदा अगर राइट टर्न ले रहा है तो वो किधर जाएगा, नॉर्थ वेस्ट में, और नॉर्थ वेस्ट का बंदा अगर राइट टर्न ले रहा है तो वो किधर जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में। तो ये राइट टर्न हो गया, इसमें भी क्लॉकवाइज चलता है, इसका 90 डिग्री हम लेंगे तो देखो 90 डिग्री टर्न करेगा, तो यहां से अगर नॉर्थ ईस्ट में कोई बंदा है 90 डिग्री टर्न करेगा क्लॉकवाइज, तो ये होगा आपका 90 डिग्री, तो डायरेक्ट 90 डिग्री यहां से टर्न करेगा तो कहां पे आएगा, साउथ ईस्ट में, क्योंकि 45 ये और 45 ये, तो टोटल 90 डिग्री हो गया, तो नॉर्थ ईस्ट से सीधे साउथ ईस्ट में। तो ये पूरा ये भी इसका जो बनेगा आपके रेड वाले का, ये भी क्लॉकवाइज चलेगा। तो जो भी सब डायरेक्शन के मूवमेंट भी होंगे वो भी आपके क्या होंगे, क्लॉकवाइज होंगे। अब आते हैं हम लेफ्ट टर्न पे, लेफ्ट टर्न पे जिसको हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमेगा ठीक है। जैसे मैं डायरेक्शन बना रहा हूं आपको, ये चार डायरेक्शन है हमारे पास मेन, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट ठीक है। जब भी कोई बंदा अगर है वो नॉर्थ की तरफ फेस करके उत्तर की तरफ जा रहा है, वो अपने अगर लेफ्ट घूमता है फिर लेफ्ट घूमता है, तो उसका कुछ ऐसा बनेगा फिगर। अगर ये बंदा कोई यहां से लेफ्ट घूमता है तो ये आपका लेफ्ट घूमेगा, फिर वो वेस्ट की तरफ आ जाएगा क्योंकि वेस्ट का डायरेक्शन इधर ही है। अब जब वेस्ट पे आएगा, वेस्ट से जब लेफ्ट घूमेगा तो किधर जाएगा, साउथ की तरफ चला जाएगा, और यहां से जब लेफ्ट घूमेगा तो ईस्ट की तरफ जाएगा, लेफ्ट टर्न हो रहा है, और यहां से जब लेफ्ट घूमेगा तो वो नॉर्थ की तरफ जाएगा। तो ये देखिए एक ऐसा बन रहा है ये डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन को हम क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घड़ी हमेशा ऐसे चलती है और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में हम चलेंगे। तो ये हमारा हो गया, इसीलिए लेफ्ट टर्न जहां बोले आपसे तो ये ना सोचना कि अगर नॉर्थ की तरफ जा रहा हो लेफ्ट टर्न ये है तो लेफ्ट हाथ की तरफ मुड़ेंगे, उससे हमेशा कंफ्यूजन आपका बना रहेगा। उस कंफ्यूजन को दूर करने का मतलब राइट मतलब राइट टर्न मतलब क्लॉकवाइज और लेफ्ट टर्न मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो जिस डायरेक्शन में हो उधर से आप एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम जाओ, और जब आपसे राइट टर्न बोले तो क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम जाओ। तो ये आपका हो गया 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। जब भी आपसे बोले लेफ्ट टर्न तो एंटी क्लॉकवाइज। वही सब डायरेक्शनल में देख लो, अगर आपका सब डायरेक्शन हो तो सेम चीज बनेगा, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। अब इसमें आपको घूमना हो कि यहां से नॉर्थ ईस्ट में कोई बंदा है, यहां से अगर लेफ्ट टर्न लेगा तो किधर जाएगा, लेफ्ट टर्न लिया तो सॉरी ये राइट टर्न हो जाएगा, लेफ्ट टर्न लेगा तो ये इधर लेगा क्योंकि इधर की तरफ फेस किया, लेफ्ट टर्न लेगा तो वो नॉर्थ वेस्ट में आ जाएगा। इधर का बंदा कोई लेफ्ट टर्न लेगा तो वो साउथ वेस्ट में आ जाएगा, और ये वाला बंदा अगर लेफ्ट टर्न लेगा इस डायरेक्शन में साउथ वेस्ट में है तो वो साउथ ईस्ट में चला जाएगा,
और यहाँ का लेफ्ट टर्न लेगा तो सीधे सीधे नॉर्थ ईस्ट में चला जाएगा। मतलब लेफ्ट टर्न मतलब इन दोनों के बीच में कितना डिग्री का घूमने चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमना चाहिए। तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री सबके बीच में, साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच में। अगर यहां से कोई बंदा साउथ ईस्ट की तरफ है तो 90 डिग्री नॉर्थ ईस्ट घूमेगा। ठीक, तो ये हमारा कुछ हो गया जो दाएं घूमना और बाएं घूमना डायरेक्शन और सब डायरेक्शन में। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ेंगे कि इसके क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, कितने टाइप से क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है आपका डिस्टेंस डायरेक्शन में। चलिए उसे देख लेते हैं कि किस किस टाइप सा क्वेश्चन पूछता है। पहला टाइप, सभी लोग नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में कि आपका जो टोटल इससे जो क्वेश्चन बनता है वो आपका 6 से 7 टाइप क्वेश्चन बनता है। एग्जामिनर 6 से 7 टाइप का क्वेश्चन बना के आपके सामने रख सकता है। पहला टाइप ये है कि पहले टाइप में आपको सिर्फ आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो आपको मूविंग डायरेक्शन पता करना होता है। ठीक, आपकी जो मूविंग डायरेक्शन है चाहे फेसिंग डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन को आप फेस कर रहे हैं फेसिंग डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। मतलब जिस डायरेक्शन की तरफ आप बढ़ रहे हैं, जिस तरफ जा रहे हैं उसी डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछेगा कि आप किस दिशा की तरफ जा रहे हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन बनता है, इसमें क्वेश्चन नोट आउट करिएगा कि एक व्यक्ति है ठीक उत्तर की तरफ 7 किलोमीटर चला, डायग्राम बनाते चलिए। मैं पहले बताऊंगा आपको बेसिक से कि डायग्राम से कैसे बनाएंगे और डायग्राम से बनाने में कितना समय जाएगा, और जो मैं आपको तरीका बताऊंगा उससे आपका कितना समय बच जाता है क्योंकि उसमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होती है। इस जो टोटल आपसे क्वेश्चन पूछता है 6 या 7 टाइप में डिस्टेंस डायरेक्शन से, इसमें सिर्फ एक टाइप का जो ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें आपको डायग्राम बिना डायग्राम के क्वेश्चन नहीं सही होगा। बाकी आपके जितने टाइप होंगे आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले तो मैं बेसिक से बता रहा हूं कि आपको डायग्राम से कैसे करना है क्वेश्चन को। बोला कि एक व्यक्ति है वो नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ हमारा किधर होता है, हमेशा ऊपर, नॉर्थ डायरेक्शन में 7 किलोमीटर चला। ठीक, 7 किलोमीटर नॉर्थ में गया, वहां से जाने के बाद वो दाएं मुड़ता है, दाएं मतलब क्लॉकवाइज, यहां से क्लॉकवाइज मुड़ेगा तो 90 डिग्री इधर सीधे ईस्ट की तरफ, वो दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर से वो दाएं मुड़ा, 10 किलोमीटर चला, तो 7 से ज्यादा चलेगा 10 किलोमीटर। उसके बाद से वो फिर से अपने बाएं मुड़ा, तो बाएं मुड़ा मतलब यहां से एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब यहां से देखो ये हो गया बाएं मुड़ा, 5 किलोमीटर चला। तो अब बताइए वो किस दिशा में जा रहा है, ये आपसे क्वेश्चन हो गया, ये पूरा लिखा रहेगा आपसे शब्दों में। तो आप ऐसा डायग्राम बनाओगे, डायग्राम बनाने के बाद देखोगे कि ये डायरेक्शन क्या होती है, राइट साइड पे जाए ये डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट है, तो हम बोलेंगे ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, पूरब की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो आपको पूरा डायग्राम बनाना पड़ा। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला कि 7 किलोमीटर नॉर्थ गया, फिर वहां से राइट मुड़ा, फिर आपसे राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, तो ये आप बनाए तब आपको ईस्ट आया। और जो मैं तरीका आपसे बता रहा हूं उसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोई डायग्राम नहीं बनाना है। आपसे जितना बार लेफ्ट और राइट बोला पहले बोल देगा, आपको स्टार्टिंग डायरेक्शन दिया रहेगा, तो आपको करना क्या है स्टार्टिंग डायरेक्शन को नोट कर लीजिए। आपकी स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या थी कि नॉर्थ की तरफ 7 किलोमीटर जाता है, आपको किलोमीटर से मतलब नहीं है, चाहे वो 10 किलोमीटर चाहे 50 किलोमीटर है, सिर्फ डायरेक्शन से मतलब है क्योंकि आपसे क्वेश्चन में लास्ट में क्या पूछेगा कि किस दिशा में जा रहा है, ना कि दूरी पूछेगा। तो आपका जो नॉर्थ है ठीक स्टार्टिंग डायरेक्शन है कि नॉर्थ में 7 किलोमीटर चला, तो नॉर्थ चला, उसके बाद से वो क्या कितना कौन सा टर्न लिया है, राइट टर्न लिया है, लिख लो राइट, फिर क्या लिया, राइट टर्न लिया, फिर क्या लिया, लेफ्ट टर्न लिया। ठीक है, तो आप जानो कि अगर यहां से कोई बंदा एक राइट टर्न ले और फिर लेफ्ट टर्न ले तो फिर उसी पोजीशन पे पहुंच जाएगा। सपोज करो कोई बंदा नॉर्थ की तरफ है फेस किया है और वहां से राइट टर्न लेगा तो 90 डिग्री घूमेगा तो ईस्ट की तरफ आएगा, अगर फिर यहीं से लेफ्ट टर्न ले ले तो वो सीधे एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा तो फिर वही नॉर्थ पे पहुंच जाएगा। तो राइट टर्न और लेफ्ट टर्न हमारा कट जाएगा, ठीक, तो बचेगा क्या आपका राइट टर्न। अगर कोई बंदा नॉर्थ की तरफ फेस किया हुआ है डायरेक्ट राइट टर्न ले ले तो कहां आ जाएगा, डायरेक्ट राइट टर्न ले लेगा तो कहां किस डायरेक्शन में आ जाएगा, देखो
इस डायरेक्शन में आ जाएगा, तो आपका आंसर यहां से डायरेक्ट निकल गया कि नॉर्थ से राइट डायरेक्शन में घूमेंगे तो कहां आ जाएंगे हम, ईस्ट में आ जाएंगे। तो आपको ये डायग्राम बनाने वाला 7 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर वाला टाइम आपका सेव हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इससे रिलेटेड कि एक बंदा है, एक व्यक्ति है जो पूरब की तरफ, ठीक है मैं शॉर्टकट मेथड से बता रहा हूं, डायग्राम से आप लोग करिएगा, पूरब की तरफ 5 किलोमीटर चलता है, ठीक कुछ डिस्टेंस चलता है 5 किलोमीटर कोई भी डिस्टेंस चले, उसके बाद से वो अपने दाएं घूमता है, ठीक राइट घूमता है, फिर अपने राइट घूमता है, फिर अपने राइट घूमता है, फिर लेफ्ट घूमता है, बाएं घूमता है, फिर राइट घूमता है, फिर लेफ्ट घूमता है, मतलब कुछ कुछ दूरी चलने के बाद। क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं रहेगा, क्वेश्चन में रहेगा कि एक व्यक्ति है जो पूरब की तरफ 5 किलोमीटर चला, फिर दाएं घूमा, फिर वो 8 किलोमीटर चला, फिर दाएं घूमा, फिर 6 किलोमीटर चला, फिर दाएं घूमा, फिर 5 किलोमीटर चला, लेफ्ट घूमा, तो इसका डायग्राम आप बनाते रह जाओगे। तो इसमें यही है कि आप राइट जितना लेफ्ट बोले उतना आप लिखते चले जाओ, और जो कैंसिल हो, क्योंकि जितना राइट और लेफ्ट सेम होंगे वो सब कैंसिल हो जाएंगे। देखो एक राइट और लेफ्ट कैंसिल हो जाएगा, राइट और लेफ्ट कैंसिल हो जाएगा, दो राइट मिलेगा आपको, दो राइट मिला तो दो राइट मिले या दो लेफ्ट मिले, और दो लेफ्ट मिले तो ये डायरेक्ट जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, मतलब ईस्ट का अपोजिट डायरेक्शन क्या होता है, वेस्ट होता है। ठीक है, जैसे यहां देख लो फिगर में कि अगर ये राइट लेफ्ट तो कैंसिल हो जाएगा, अब बचा आपका ईस्ट से राइट जाएगा, ईस्ट से राइट गया तो साउथ में पहुंचेगा, और साउथ से राइट जाएगा तो वेस्ट में पहुंचेगा, क्योंकि राइट हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा। तो ये आपका अगर दो राइट आए या दो लेफ्ट आए, लेफ्ट में भी दो आओगे तो डायरेक्ट अपोजिट डायरेक्शन आएगी, तो दो राइट आए या दो लेफ्ट आए तो आप किस डायरेक्शन में पहुंच जाओगे, जो डायरेक्शन आपकी है शुरुआत में उसके अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होगा आपका, इसी में एक व्यक्ति ठीक अपने बाएं घूमता है, एक व्यक्ति आपका वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में जाते समय वो बाएं घूमता है मतलब लेफ्ट टर्न लेता है, फिर वो अपने राइट टर्न कुछ दूर चलने के बाद राइट टर्न लेता है, फिर कुछ दूर चलने के बाद राइट टर्न लेता है, फिर कुछ दूर चलने के बाद लेफ्ट लेता है, फिर कुछ दूर चलने के बाद राइट लेता है, फिर राइट लेता है, फिर लेफ्ट लेता है। ठीक, ये आपका क्वेश्चन बन गया। अब इसमें कुछ नहीं करना, आपके जितने राइट और लेफ्ट हो उनको कैंसिल कर दो, ठीक राइट और लेफ्ट कैंसिल, राइट और लेफ्ट कैंसिल, राइट और लेफ्ट कैंसिल, आपका आ गया क्या, एक राइट, मतलब जो बंदा वेस्ट की तरफ था वो एक राइट घूमेगा तो अब वो कहां पहुंच जाएगा। देखो एक राइट घूमेगा, वेस्ट की तरफ कोई बंदा है, एक राइट मतलब क्लॉकवाइज 90 डिग्री जाएगा, तो क्लॉकवाइज 90 डिग्री जाएगा तो कहां पे पहुंच जाएगा, वो सीधे पहुंच जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन नोट करते रहिए, अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि एक बंदा कोई साउथ में है, ठीक है साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा है, कुछ किलोमीटर चला, कुछ किलोमीटर चलने के बाद वो लेफ्ट मुड़ा, फिर वो अपने लेफ्ट मुड़ा, बाएं मुड़ा, फिर वो अपने लेफ्ट मुड़ा, फिर वो अपने राइट मुड़ा, फिर वो अपने लेफ्ट मुड़ा, ठीक और फिर वो अपने लेफ्ट मुड़ा, कुछ दूर चलने के बाद ऐसे, कुछ दूर चलने के बाद लेफ्ट मुड़ा, फिर कुछ दूर चलने के बाद लेफ्ट मुड़ा। तो अब इसमें फिर वही काम करेंगे, जितने राइट और लेफ्ट के कॉम्बिनेशन बनेंगे उनको कैंसिल कर देंगे। अब आपके कितने बने, 3 लेफ्ट 1 लेफ्ट, ये 4 लेफ्ट, ठीक है मतलब अब साउथ से वो 4 बार लेफ्ट चलेगा। तो ये याद रखिए किसी भी डायरेक्शन से 4 बार लेफ्ट हो जाए या 4 बार राइट हो जाए तो इंसान कहां पहुंच जाएगा, जिस डायरेक्शन से वो शुरू करेगा उसी डायरेक्शन पे पहुंच जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। देन सपोज करो यहां बोला था कि साउथ की तरफ जा रहा है, साउथ की तरफ जा रहा है, 4 बार लेफ्ट है, आपको 4 बार लेफ्ट मिला है, तो एक लेफ्ट आपका एंटी क्लॉकवाइज जाना है, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस टाइप से घूमेंगे, तो एक बार लेफ्ट मुड़ेगा तो ईस्ट पे आएगा, एक बार लेफ्ट मिलेगा तो नॉर्थ पे, 2 लेफ्ट हो गए, तीसरा लेफ्ट वेस्ट में जाएगा और चौथा लेफ्ट फिर से
साउथ में चला आएगा। तो ठीक, तो वही बात, चाहे वो चार बार लेफ्ट घूमे चाहे चार बार राइट घूमे, जिस डायरेक्शन से वो जा रहा है फिर से उसी डायरेक्शन पे चला आएगा। इसका कॉन्सेप्ट यूज करना है। अगले सवाल में मैं बताता हूं कि आपका अगला सवाल किस टाइप से पूछता है। क्वेश्चन ये है कि कोई व्यक्ति है जो उत्तर की तरफ जा रहा है, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, और वो 25 बार अपने दाहिने घूमता है, ठीक है। अब ये संख्या बढ़ गई कि 25 बार राइट टर्न लेता है, उसके बाद 10 बार लेफ्ट टर्न लेता है, फिर 2 बार राइट टर्न लेता है, फिर 5 बार लेफ्ट टर्न लेता है, ठीक है। इतने टर्न्स लिए हैं, तो जितने राइट टर्न वाले हैं एक साथ जोड़ लो, 25, 26, 27, टोटल राइट टर्न कितने हैं इसके 27, और लेफ्ट टर्न कितने हैं इसके, लेफ्ट टर्न है आपके 10, 5, 15, तो 15 लेफ्ट टर्न ये होंगे, तो 15 इसके कैंसिल हो जाएंगे, तो मतलब 15 राइट वाला घटा दें, क्योंकि लेफ्ट और राइट कैंसिल करना है, तो ये 12 और 2 में से एक जाएगा आपका, हाँ 12, तो टोटल आपका आएगा 12, कौन सा बचेगा, क्योंकि ये ज्यादा राइट तो राइट टर्न बचेगा आपका, तो 12 राइट टर्न बचा, ठीक। जब 12 राइट टर्न बचा, इसका मतलब जो व्यक्ति नॉर्थ में है वो 12 बार राइट टर्न लेगा। अभी मैंने आपको पिछले सवाल में बताया कि अगर कोई भी इंसान 4 बार राइट ले ले या 4 बार लेफ्ट ले ले तो फिर से वहीं पहुंच जाता है, तो ये 12 क्या है, 4 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब 4 बार, ये 4 से 3 बार चला जाएगा, 3 बार 4 4 बार घूम जाएगा वो राइट, तो फिर से उसी स्थान पे आ जाएगा, तो ये 4 से डिविजिबल है, इसमें रिमाइंडर 0 बचेगा, तो फिर से उसी स्थान पे आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ होगा। ये मतलब अभी भी वो कौन से डायरेक्शन में चल रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है। अगला सवाल आपसे ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति है जो पूरब की तरफ कुछ किलोमीटर चला, ठीक है, ईस्ट की डायरेक्शन में चला, और वहां से वो 10 बार राइट टर्न लिया, 3 बार लेफ्ट टर्न लिया और 4 बार राइट टर्न लिया, तो अब बताओ आप कि वो किस दिशा में है। तो राइट टर्न जितने हैं टोटल 14 राइट टर्न है और 3 लेफ्ट टर्न है, तो आपके कितने पास कितना बचा, आपके पास जो ज्यादा होगा वही बचेगा, आपके 14 में से 3 माइनस कर दोगे तो 11 बचेगा, 11 कौन सा बचेगा, राइट टर्न बचेगा। तो इसमें देखो जितना 4 का 4 से आप डिवाइड कर दो, 4 से जब डिवाइड कर दो कि जो रिमाइंडर आएगा, क्योंकि 4 बार राइट जाओ चाहे 4 बार लेफ्ट जाओ फिर से उसी पोजीशन पर पहुंच जाओगे, तो आपका इसे जब 4 बार 4 से इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 दुने 8 9 10 11 मतलब 3 रिमाइंडर आएगा, तो 3 रिमाइंडर मतलब 3 बार राइट टर्न्स लेना है आपको, ठीक। तो 3 बार राइट टर्न लेना है, ठीक है, तो 3 बार राइट टर्न मतलब ईस्ट से 3 बार राइट टर्न लेना है। अब देखिए अगर 3 राइट हो या 1 लेफ्ट हो डायरेक्शन सेम आएगा, मैंने बोला अगर आपका कहीं आ जाए कि 3 राइट घूमना है तो उससे बढ़िया 3 राइट ना घूम के आप 1 लेफ्ट घूम जाओ। चलिए मैं बताता हूं, इस डायग्राम में आओ, इस डायग्राम में दिखा रहा हूं मैं कि आपका देखो 3 राइट घूमना है उसको, तो ईस्ट से 3 राइट घूमेगा, एक बार साउथ फिर वेस्ट फिर नॉर्थ, ठीक, 3 बार राइट घूमा तो उसे नॉर्थ पहुंचेगा, और या वो 1 लेफ्ट घूम जाए तभी भी नॉर्थ पहुंच जाएगा। तो जहां आपको ऐसा आ जाए कि 3 बार राइट आ गया तो 1 लेफ्ट घूम जाएगा, अगर 3 बार लेफ्ट आ गया तो 1 राइट घूम जाएगा, ठीक। तो इस बात को ध्यान रखना, आसानी रहेगी क्वेश्चन करने में कि ये 3 बार घूमना नहीं पड़ेगा। तो अगर वो इस डायरेक्शन में है तो उसको 3 बार राइट घूमना है तो 1 लेफ्ट ले ले, इसका मतलब कहां चला जाएगा, अब उसकी डायरेक्शन जो होगी वो होगी नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब उत्तर डायरेक्शन में, उत्तर की तरफ बढ़ रहा है। तो ये आपका इस टाइप के पहले वाले से इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। अब आते हैं टाइप 2 पे। टाइप 2 क्या है क्वेश्चन, टाइप 2 में आपका जो स्टार्टिंग डायरेक्शन आपको टाइप 1 में दिया रहता है वो देता नहीं है, इसमें आपको स्टार्टिंग डायरेक्शन निकालना होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको जो स्टार्टिंग डायरेक्शन है कि कहां से वो शुरुआत किया वो निकालना होता है, और इसमें जो दिया होता है गिवन होता है वो फाइनल डायरेक्शन आपको दिया रहता है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये है आपके सामने, क्वेश्चन नोट करिएगा, क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति है, ठीक,
एक व्यक्ति 5 किलोमीटर एक दिशा में चला, ठीक किसी भी दिशा में सीधा चला 5 किलोमीटर, चलने के बाद दाएं मुड़ा, फिर 6 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ा। बनाते जाइए इसको डायग्राम में कि एक व्यक्ति है सीधे 5 किलोमीटर चलता है। अब सीधे मतलब वो कोई डायरेक्शन नहीं दिया है, तो उस केस में क्या करोगे, आप कोई भी डायरेक्शन ले लो, ठीक है, किसी भी तरफ सीधा ले लो, चाहे इधर ले लो, चाहे ईस्ट की तरफ ले लो, चाहे साउथ की तरफ ले लो, चाहे नॉर्थ की तरफ ले लो, किधर भी उसे सीधा 5 किलोमीटर चलाओ। जैसे बोला क्वेश्चन में एक व्यक्ति है जो सीधा 5 किलोमीटर चलता है, तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे देखो सीधा 5 किलोमीटर चला। अब ये कोई जरूरी नहीं कि ये नॉर्थ में जा रहा है कि हमेशा ऊपर नॉर्थ दिख रहा है तो नॉर्थ होगा, ये अभी पता नहीं है, इसी को पता करना है कि डायरेक्शन कौन सी है, ठीक है। तो अब ये 5 किलोमीटर सीधा चला, उसके बाद से वो दाहिने घुमा, दाहिने घुमा 6 किलोमीटर चला, 6 किलोमीटर चलने के बाद फिर वो अपने दाहिने घुमा 8 किलोमीटर चला, 8 किलोमीटर चलने के बाद फिर वो अपने बाएं मुड़ा 6 किलोमीटर चला, तो वो अपने आप को कहां पाता है, नॉर्थ डायरेक्शन में पाता है। क्वेश्चन ये है, आपका फाइनल जो है डायरेक्शन वो दे दिया है कि एक व्यक्ति सीधे 5 किलोमीटर चला, अब किसी डायरेक्शन में गया हो, उसके बाद दाएं घुमा 6 किलोमीटर या फिर दाएं घुमा 8 किलोमीटर, फिर बाएं घुमा 6 किलोमीटर, तो वो अपने आप को नॉर्थ डायरेक्शन में पाता है, मतलब लास्ट की डायरेक्शन उसकी क्या है, नॉर्थ है। तो हम ये कह सकते हैं, एक फिगर बनाओ कि देखो ये जो डायरेक्शन है हमारा वो ठीक है। अगर हम वो कहें कि अगर ये नॉर्थ है, ठीक इस डायरेक्शन में जो राइट हैंड साइड में इधर जा रहा है ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ कितना शिफ्ट हो गया, कहा जाए सपोज करो ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब इसमें यह कहा जा रहा है कि जो ये डायरेक्शन है इस साइड वाली वो कौन क्या हो गई है, ये जो है नॉर्थ हो गया, तो नॉर्थ कितना शिफ्ट हुआ, 90 डिग्री क्लॉकवाइज शिफ्ट हो गया, ठीक। अगर ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज शिफ्ट हो गया, वैसे ही सभी डायरेक्शन क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। अगर आपका ये 90 डिग्री इधर शिफ्ट हो गया नॉर्थ, तो यहां नॉर्थ हो जाएगा, और ये कहां शिफ्ट हो जाएगा, ये यहां शिफ्ट हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, और ये आपका कहां शिफ्ट हो जाएगा, ये यहां 90 डिग्री शिफ्ट हो जाएगा क्लॉकवाइज में, और ये ईस्ट कहां, यहां शिफ्ट हो जाएगा। हमारी जो नया डायरेक्शन बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, जो नीले से दिखाई दे रहा है ये नॉर्थ हो जाएगा, क्योंकि यहां दिखा रहा है कि जब वो ऐसे पाता है तो वो नॉर्थ की तरफ है, और ये ईस्ट हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री शिफ्ट हो जाएगा, और ये साउथ यहां शिफ्ट हो जाएगा, और वेस्ट यहां शिफ्ट हो जाएगा नॉर्थ के पास में, ठीक है। ये आपका जो नया डायरेक्शन बन जाएगा शिफ्ट होने के बाद। तो इससे ये पता चला कि जो व्यक्ति शुरुआत में किस डायरेक्शन में जा रहा था, किस डायरेक्शन में जा रहा था, वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा था, इससे हमारा स्टार्टिंग डायरेक्शन मिल गया, ठीक है। अब इसको डायग्राम से ना करके शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे, चलिए वो देख लेते हैं। इसमें ये देखते हैं, डायग्राम नहीं बनाएंगे, स्टार्टिंग से इसको कैसे करेंगे, जो सीधे 5 किलोमीटर चलता है, अब हमें 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर से कोई मतलब नहीं है। अब वो 5 किलोमीटर चलता है, स्टार्टिंग डायरेक्शन हमें नहीं पता है, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। अब वो पहले सीधा चलता है, उसके बाद से सीधा चलने के बाद कौन सा टर्न लेता है, राइट टर्न लेता है, फिर कौन सा टर्न लेता है, राइट टर्न लेता है, कुछ चलने के बाद 6 किलोमीटर चलने, फिर राइट टर्न लेता है, फिर 8 किलोमीटर चलता है, फिर उसके बाद वो लेफ्ट टर्न लेता है, और लेफ्ट टर्न लेता है तो वो नॉर्थ डायरेक्शन में अपने आप को पाता है, मतलब फाइनल डायरेक्शन आपका नॉर्थ है। तो अभी भी हम क्या करेंगे, वही लेफ्ट और राइट को कैंसिल कर देंगे, तो देखो राइट और लेफ्ट हमारा कैंसिल हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, एक चीज और करेंगे कि राइट लेफ्ट कैंसिल होने के बाद आपकी जो डायरेक्शन बचती है उसे उल्टा कर देंगे, जैसे राइट बचा तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम लेफ्ट कर देंगे, ठीक, क्योंकि यहां हमें लास्ट की डायरेक्शन पता
पता है और पहले वाली डायरेक्शन पता करनी है, तो जो डायरेक्शन बचेगा उसका उल्टा कर देंगे, तो राइट हमारा लेफ्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब नॉर्थ से एक लेफ्ट चले तो हमारा कौन सा डायरेक्शन होगा, नॉर्थ से एक लेफ्ट घूमेंगे तो ये होगा, यहां नॉर्थ में कोई बंदा है वो एक लेफ्ट घूमे तो वेस्ट में आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका वेस्ट। और डायग्राम से भी यही आंसर आया था जब हम डायग्राम से आपको क्वेश्चन कराए थे, तो ये हो गया। ठीक, अगला इसी तरह से क्वेश्चन नोट कर लो कि कोई व्यक्ति सीधे 10 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वो अपने लेफ्ट घूमता है, फिर राइट घूमता है कुछ दूर चलने के बाद, फिर कुछ दूर चलने के बाद राइट घूमता है, फिर लेफ्ट घूमता है, फिर राइट घूमता है। ठीक, अब और वो अपने आप को किस डायरेक्शन में पाता है, लास्ट में ईस्ट डायरेक्शन में पाता है। अब ईस्ट डायरेक्शन में पाता है, आपको पहला स्टार्टिंग पॉइंट पता नहीं है, तो जितने राइट और लेफ्ट होंगे उन्हें कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका राइट। तो राइट को फिर से क्या करो, चेंज कर दो, क्योंकि हमें फाइनल डायरेक्शन पता है, फर्स्ट वाला डायरेक्शन नहीं पता है, तो ये चेंज हो जाएगा लेफ्ट में। तो ईस्ट से एक लेफ्ट जाएंगे, तो ईस्ट से एक लेफ्ट क्या होगा हमारा नॉर्थ, यहां से लेफ्ट जाएंगे 90 डिग्री तो क्या होगा आपका नॉर्थ आएगा, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या हो जाएगा नॉर्थ हो जाएगा। तो ये आपका हो गया टाइप टू के स्टार्टिंग डायरेक्शन जब पता करना होता है। अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर उठाता है बनाता है वो टाइप थ्री, इसमें आपका एंगल से क्वेश्चन आता है। ठीक, रोटेशन, एंगल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से आता है। इसमें क्वेश्चन एग्जामिनर ये बनाएगा आपसे कि एक व्यक्ति है जो नॉर्थ की तरफ चेहरा किया हुआ है, वो अब 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, फिर 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, लिखते जाओ जैसे बनाते जाओ पहले फिगर में, ये आपका डायरेक्शन हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। 90 डिग्री कोई व्यक्ति है नॉर्थ की तरफ फेस किया हुआ है, बोल रहा एग्जामिनर कि वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा तो मतलब किस डायरेक्शन में चलाएगा, ईस्ट की तरफ चलाएगा। अब वो 135 डिग्री, ठीक है 135 डिग्री किस फिर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, तो फिर से तुम 135 डिग्री से क्लॉकवाइज घुमाओगे तो 90 या 45 या 135 यहां चला आएगा, मतलब साउथ वेस्ट में चला आएगा। ठीक है, ये उसके बाद से बोला गया कि फिर से ये 135 डिग्री 180 डिग्री सॉरी 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, तो 180 डिग्री घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज में तो फिर से ये नॉर्थ ईस्ट चला आएगा, फिर वहां से वो 45 डिग्री घूमता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो कहां चलाएगा, 45 डिग्री घूमेगा तो नॉर्थ में चला आएगा, फिर वहां से 90 डिग्री घूमता है तो वो बताइए किस दिशा में है, फिर वहां से 90 डिग्री वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो किस डायरेक्शन में होगा, वेस्ट डायरेक्शन में होगा। तो ये हो गया कि जितनी बार आपको बोले कि क्लॉकवाइज घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है आप इसी में घुमाओ, ये भी एक लेंथी प्रोसेस है, सेम जैसे हमने लेफ्ट और राइट टर्न वाला किया था वैसे इसे एंगल वाला करेंगे। जैसे आपसे क्वेश्चन इसी में बोला कि एक व्यक्ति उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है, मतलब डायरेक्शन उसका कौन सा है नॉर्थ है। ठीक, अब वो कितना डिग्री घूमा, पहले 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, फिर 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, फिर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा, फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा, फिर वहां से वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा। तो जितने भी आपके क्लॉक और एंटी क्लॉक वाले हैं उनको प्लस कर लीजिए, फिर उनमें से माइनस कर दीजिए। जैसे क्लॉक वाले कितने आपको दिख रहे हैं, दो दिख रहे हैं, तो 135 प्लस 90 ये कितना हो जाएगा, 9 × 3 = 12, ठीक 225 डिग्री ये हो गया, और एंटी क्लॉकवाइज प्लस कर लें तो 180 प्लस 45 प्लस 90 तो 5 ये हो गया, 8 × 4 = 12, और 12 और 9
एक 315 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ठीक, तो जो बड़ा है उससे घटा देंगे, 315 माइनस 225, ये जीरो आ गया, और यहां पे आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक, तो ये 90 डिग्री क्या, जो ये एंटी क्लॉकवाइज, जो बड़ा है उसी का लिखेगा, ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, मतलब नॉर्थ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाए तो उसका आंसर आ जाएगा। तो नॉर्थ से जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो वो कहां पहुंच जाएगा, वेस्ट में पहुंच जाएगा। यहां पे देखिए हमारा इस डायग्राम से वेस्ट आंसर आ रहा था, जब नॉर्थ से 90 डिग्री घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज तभी भी आंसर क्या आएगा, वेस्ट आएगा। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, जैसे आप लेफ्ट और राइट टर्न वाला कॉन्सेप्ट यूज करते थे बस वही करना है। जितना बार बोले आपको क्लॉकवाइज टर्न हो रहा है और एंटी क्लॉकवाइज टर्न हो रहा है, क्लॉकवाइज को अलग प्लस कर लो, एंटी क्लॉकवाइज को अलग प्लस कर लो, दोनों में देखो कि कौन ज्यादा है, उसमें से माइनस करने के बाद जिसका ज्यादा होगा उसी टाइप से वो घूमेगा। जैसे यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा था तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस कर रहा था उससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, तो यहाँ कहाँ जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन में आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चौथा टाइप। चौथा टाइप में ही आपको फिगर की जरूरत पड़ेगी, जो मैं बोला था कि पूरे में आपको एक ही टाइप है जिसमें आपको विदाउट फिगर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है, तो चौथे टाइप में आपको निकालना क्या होता है, डिस्टेंस निकालना होता है, दूरी निकालनी होती है, और डायरेक्शन निकालना होता है विथ रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक, शुरुआती बिंदु से आपको डायरेक्शन निकालना होता है। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन इसमें यह है कि मान लीजिए राम है, वो नॉर्थ डायरेक्शन में फिगर बनाइए, नॉर्थ डायरेक्शन में 10 किलोमीटर चला, चलने के बाद वो अपने दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। ठीक, 6 किलोमीटर चलने के बाद फिर वो अपने दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। ठीक, और फिर वो अपने बाएं मुड़ता है, मतलब लेफ्ट टर्न लेता है, 6 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो अब आपसे पूछेगा इसमें कि स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक, स्टार्टिंग पॉइंट से जिस फाइनल पॉइंट किस दिशा में है। देखो, डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट, आपसे पूछा कि स्टार्टिंग पॉइंट से जब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है वो स्टार्टिंग से किस डायरेक्शन में है। तो जब आपसे इसके रिस्पेक्ट में पूछे तो फिगर की जरूरत है, क्योंकि हम अभी तक अगर नहीं पूछता था कोई डायरेक्शन तो डायरेक्ट उस पर लेफ्ट राइट पे कर लेते थे, मगर अब फिगर की जरूरत है और आपसे पूछेगा कि आपका जो ये डिस्टेंस है स्टार्टिंग से और फाइनल का वो कितना है। तो चलिए, स्टार्टिंग से फाइनल का डिस्टेंस हमारा ये होगा कुछ, इसी में पाइथागोरस का कॉन्सेप्ट लगेगा आपका। ठीक, अब इसमें देखिए ये 12 है तो मतलब ये वाला डिस्टेंस आपका 10 होगा, टोटल आपका ये 12 था। ठीक, तो ये 10 होगा, ये 6 होगा और ये 2 होगा, और नीचे वाला ये कितना होगा, ये 6 और ये 6, टोटल 12 ये होगा, 2 ये होगा, और ये आपको ये डिस्टेंस निकालना है। तो पहला बात आपसे पूछा कि कितनी दूरी और किस दिशा में है, तो दूरी निकालनी है। तो कभी कभी आपका ऑप्शन ऐसा होता है कि डायरेक्ट डायरेक्शन से ही हो जाता है क्वेश्चन, डिस्टेंस निकालने की जरूरत ना पड़े, वो टाइम सेव हो जाएगा कि आप पाइथागोरस लगाने से बच जाओगे, मगर कभी कभी जब आपका डायरेक्शन सेम दिया हो सिर्फ डिस्टेंस बदला हो तब आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा क्वेश्चन में। कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करता हो सकता है आसानी से सेट कर दे, उसमें सिर्फ डायरेक्शन बदल दे और डिस्टेंस आपका सेम रखे, तो आपका डायरेक्शन जब बदल दे तो
तो आप पहले डायरेक्शन निकाल लो कि किस डायरेक्शन में है। अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन देखें कि ये स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, तो हम जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसी पे एक डायरेक्शन देखते हैं कि ऊपर नॉर्थ होगा, ठीक, और ये नीचे साउथ, ये इधर ईस्ट होगा और इधर वेस्ट होगा। तो देखो जब ईस्ट और साउथ के बीच में ये जा रहा है, यही है इसकी फाइनल डायरेक्शन, तो ये कौन सी डायरेक्शन है स्टार्टिंग पॉइंट से, साउथ ईस्ट। तो हम बोल देंगे कि जो फाइनल पॉइंट है इसका, जो इंसान पहुंचा है फाइनल पॉइंट पे, वो किधर है, स्टार्टिंग पॉइंट से साउथ ईस्ट में है, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर इसका। अगर पूछे आपसे कि इसका डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस आपको निकालना है स्टार्टिंग पॉइंट से, तो ये हमारा डिस्टेंस होगा। अब इस डिस्टेंस को मान लेते हैं हम एक्स, तो हम लगा देंगे इसमें पाइथागोरस, क्योंकि ये 90 डिग्री होगा, ये 2 है और ये 12 है, तो एक्स निकालना है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर 4 प्लस 144 146, तो एक्स बराबर अंडर रूट 146 किलोमीटर आपका ये आएगा आंसर। तो बोलोगे अंडर रूट 146 किलोमीटर साउथ ईस्ट में है स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक। तो ये हमारा हो गया जब डिस्टेंस और डायरेक्शन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछे, ठीक। इसे क्वेश्चन में कराऊंगा जो क्वेश्चन सेशन होगा डिस्टेंस डायरेक्शन का। अगले टाइप पे पहुंचते हैं हम, अगला टाइप हमारा ये है पांचवा टाइप। पांचवा टाइप में घड़ी का रिलेशन पूछता है, इसमें घड़ी की जो सुइयां होती हैं उससे रिलेशन पूछता है आपका। पांचवा टाइप है क्लॉक रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है, ठीक। क्लॉक रिलेटेड क्वेश्चन, क्लॉक रिलेटेड क्वेश्चन मतलब कि इसमें जैसे बोला कि घड़ी है कोई, उस घड़ी में 4:30 हो रहा है, ठीक। जब 4:30 हो रहा है और आपके जो घड़ी की घंटे की सुई है, जो आवर एंड है, वो नॉर्थ डायरेक्शन को शो कर रही है, तो बताइए कि मिनट हैंड है वो कौन सी दिशा को बताएगी, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस ये देखना है कि हमारा ये डायरेक्शन होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और इसके सब डायरेक्शन होते हैं आपके नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ठीक। अब ये बोला है 4:30, हम सभी जानते हैं जब घड़ी में 3 बजता है, ये 12 ये 3 6 9, ये डायरेक्शन आपकी ईस्ट होगी और ये नॉर्थ होगी। जब 3 बजेगा तो घंटे की सुई किधर होती है, ईस्ट की तरफ, और मिनट की सुई किधर होती है, नॉर्थ की तरफ। तो अगर 4 बज रहा है, 4:30 हो रहा है, तो आपकी जो सुई होगी घड़ी की वो कुछ यहां होगी घंटे की, और मिनट की सुई इस पे होगी 6 पे एग्जैक्ट, और ये 4 और 5 के बीच में होगा, मतलब ये साउथ होगा, तो ईस्ट और साउथ के बीच में ही डायरेक्शन होगा, ठीक। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा आवर हैंड है वो एक्चुअल में जो होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, वो साउथ ईस्ट होगी, क्योंकि वो इस कोऑर्डिनेट में पड़ेगा ईस्ट और साउथ के बीच में, तो ये पूरा पूरा क्या होता है, साउथ ईस्ट होता है। तो हम कह सकते हैं कि आवर हैंड हमारा साउथ ईस्ट में होगा, मगर एग्जामिनर बोल रहा है कि वो साउथ ईस्ट में ना होके किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ में। तो हम बोल सकते हैं जो साउथ ईस्ट है हमारा ये क्या बन गया है, नॉर्थ बन गया है, ठीक है। साउथ ईस्ट अगर नॉर्थ बन जाए तो कैसे नॉर्थ बनेगा, साउथ ईस्ट को अगर हमें नॉर्थ बनाना हो तो हम कहां से, यहां से कितना डिग्री चलेंगे, ये साउथ ईस्ट अगर नॉर्थ बने तो यहां से ये कितना डिग्री होगा, ये देखो ये डायरेक्शन कौन सी होगी, एंटी क्लॉकवाइज,
ये हो गया 90 डिग्री और ये 45 डिग्री, तो 135 डिग्री हमें एंटी क्लॉकवाइज घूमना होगा साउथ ईस्ट को नॉर्थ बनाने में। ठीक, बस वही कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो मिनट हैंड हमारा 6 पे होगा, मतलब साउथ डायरेक्शन में होगा ओरिजिनली, मगर डायरेक्शन यहां चेंज हुआ, यहां ओरिजिनली आवर हैंड साउथ ईस्ट में ना होके नॉर्थ में है, तो यहां पे डायरेक्शन हमारा चेंज हुआ है। डायरेक्शन ये चेंज हुआ है कि जो हमारा यहां मिनट हैंड साउथ में होगा तो अब वो साउथ में होना चाहिए, मगर वो साउथ में नहीं होगा, वो भी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो साउथ से एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूमे, कहां पहुंचेंगे? देखो ये आपका साउथ जो है 135 डिग्री घूमा एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां नॉर्थ ईस्ट में पहुंच गया। तो हम बोलेंगे कि जो हमारा मिनट हैंड होगा वो कौन से डायरेक्शन में होगा? नॉर्थ ईस्ट में होगा। ठीक है, आंसर हमारा होगा नॉर्थ ईस्ट में होगा। ऐसे ही एक और क्वेश्चन आता है, ये तो क्लॉक से हो गया। क्लॉक से एक क्वेश्चन आता है आपका इसमें कि डायरेक्शन को पूरा का पूरा रोटेट कर देता है। डायरेक्शन रोटेट मतलब अभी ये घड़ी के कॉन्सेप्ट में चला, सेम कॉन्सेप्ट पे कि बोलता है क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर कि हमारा जो नॉर्थ है, ठीक है, इसे रफ करते हैं और इसी में हम आपको समझाएंगे वो क्वेश्चन कि कैसे एग्जामिनर बोलता है कि डायरेक्शन आपका चेंज हो गया। एग्जामिनर कहता है कि हमारा साउथ वेस्ट जो है, साउथ वेस्ट चेंज होके साउथ ईस्ट हो गया है, तो आप बताओ नॉर्थ क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन में बोला एग्जामिनर कि आप जो साउथ वेस्ट है दक्षिण पश्चिम है वो दक्षिण पूरब हो गया है, इसका मतलब कि हमारा ये दक्षिण पश्चिम है ये क्या हो गया है? दक्षिण पूरब हो गया। तो ये कितना शिफ्ट हुआ, ये हम देखें तो ये कितना शिफ्ट हुआ, इनके इनके बीच में कितना डिग्री का होता है? 45 45, ये 90, तो ये टोटल 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट हो गया। तो सभी डायरेक्शन अपने क्या होंगे, वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट हो जाएंगे। तो बोला कि नॉर्थ अब क्या शो करेगा, ठीक है, जो हमारा साउथ वेस्ट था वो साउथ ईस्ट हो गया, सॉरी जो साउथ वेस्ट है इसमें बोला है जो साउथ वेस्ट है वो साउथ ईस्ट हो गया, मतलब साउथ ईस्ट अब आएगा साउथ वेस्ट पे, क्योंकि ये जो साउथ वेस्ट है वो कन्वर्ट हो गया किसमें? साउथ ईस्ट में। तो ये हमारा जो साउथ ईस्ट है यहां से यहां तक आएगा क्लॉकवाइज 90 डिग्री। तो अब बोल रहा है कि हमारा नॉर्थ क्या होगा, तो नॉर्थ भी हमारा जितने भी डायरेक्शन होंगे इसमें 90 डिग्री क्लॉकवाइज शिफ्ट हो जाएंगे। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज शिफ्ट होगा, तो जो हमारा अब नॉर्थ है वो भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज शिफ्ट होगा, तो वो कहां आ जाएगा? ईस्ट पे आ जाएगा। तो हमारा नॉर्थ होगा वो क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन इसी में शिफ्टिंग डायरेक्शन का आपसे बोला कि जो हमारा साउथ डायरेक्शन है, ठीक है, जो हमारा साउथ डायरेक्शन है वो क्या बन जा रहा है? जो साउथ डायरेक्शन है वो हमारा नॉर्थ ईस्ट बन जा रहा है। ठीक, जो साउथ डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट बन जा रहा है, तो आप बताओ कि हमारा साउथ वेस्ट क्या होगा। ठीक, अब साउथ वेस्ट क्या होगा, जो साउथ है वो नॉर्थ ईस्ट हो जा रहा है, साउथ हमारा ये है, अब ये क्या हो जा रहा है? नॉर्थ ईस्ट हो जा रहा है। इसे नॉर्थ ईस्ट बनाने के लिए नॉर्थ ईस्ट को यहां आना पड़ेगा, तो ये कितना रोटेट होके आएगा? ये क्लॉकवाइज, ये टोटल क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूमेगा, तभी ये साउथ में आएगा नॉर्थ ईस्ट। ठीक, तब ये 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा, इसका मतलब इसके जितने भी डायरेक्शन होंगे 135 डिग्री से शिफ्ट हो जाएंगे। तो 135 डिग्री से शिफ्ट होगा, तो साउथ वेस्ट पूछ रहा है कि अब हमारा साउथ वेस्ट कौन सा डायरेक्शन होगा। ठीक, तो साउथ वेस्ट हमारा
जो हमारा साउथ वेस्ट है वो कौन सा डायरेक्शन होगा? अब इस डायरेक्शन पे जो अभी हमारा साउथ वेस्ट है वो क्या कौन सा होगा, 135 डिग्री ये घूमेगा तो अब वो कौन सा होगा, क्योंकि अभी हमारा जो साउथ था वो क्या हो गया है, नॉर्थ ईस्ट हो गया है। ठीक, तो अब हमारा जो साउथ वेस्ट है वो क्या होगा, 135 डिग्री घूमेगा तो साउथ वेस्ट, ये 135 डिग्री ये घूमेगा तो कहां पहुंचेगा क्लॉकवाइज में, देखो ये 90, तो हमारा अब जो साउथ वेस्ट है 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा तो कहां पहुंच जाएगा, वो नॉर्थ में पहुंच जाएगा। जो सीधे 5 किलोमीटर चलता है, अब हमें 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर से कोई मतलब नहीं है। अब वो 5 किलोमीटर चलता है, स्टार्टिंग डायरेक्शन हमें नहीं पता है, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। अब वो पहले सीधा चलता है, उसके बाद से सीधा चलने के बाद कौन सा टर्न लेता है, राइट टर्न लेता है, फिर कौन सा टर्न लेता है, राइट टर्न लेता है, कुछ चलने के बाद 6 किलोमीटर चलने फिर राइट टर्न लेता है, फिर 8 किलोमीटर चलता है, फिर उसके बाद वो लेफ्ट टर्न लेता है, और लेफ्ट टर्न लेता है तो वो नॉर्थ डायरेक्शन में अपने आप को पाता है, मतलब फाइनल डायरेक्शन आपका नॉर्थ है। तो अभी भी हम क्या करेंगे, वही लेफ्ट और राइट को कैंसिल कर देंगे। तो देखो राइट और लेफ्ट हमारा कैंसिल हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, एक चीज और करेंगे कि राइट लेफ्ट कैंसिल होने के बाद आपकी जो डायरेक्शन बचती है उसे उल्टा कर देंगे। जैसे राइट बचा तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम लेफ्ट कर देंगे। ठीक, क्योंकि यहां हमें लास्ट की डायरेक्शन पता है और पहले वाली डायरेक्शन पता करनी है, तो जो डायरेक्शन बचेगा उसका उल्टा कर देंगे, तो राइट हमारा लेफ्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब नॉर्थ से एक लेफ्ट चले तो हमारा कौन सा डायरेक्शन होगा, नॉर्थ से एक लेफ्ट, एक लेफ्ट घूमेंगे तो ये होगा, यहां नॉर्थ में कोई बंदा है वो एक लेफ्ट घूमे तो वेस्ट में आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका वेस्ट। और डायग्राम से भी यही आंसर आया था, जब हम डायग्राम से आपको क्वेश्चन कराए थे तो ये हो गया। ठीक, अगला इसी तरह से क्वेश्चन नोट कर लो कि कोई व्यक्ति सीधे 10 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वो अपने लेफ्ट घूमता है, फिर राइट घूमता है कुछ दूर चलने के बाद, फिर कुछ दूर चलने के बाद राइट घूमता है, फिर लेफ्ट घूमता है, फिर राइट घूमता है। ठीक, अब और वो अपने आप को किस डायरेक्शन में पाता है, लास्ट में इस डायरेक्शन में पाता है। अब ईस्ट डायरेक्शन में पाता है, आपको पहला स्टार्टिंग पॉइंट पता नहीं है, तो जितने राइट और लेफ्ट होंगे उन्हें कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका राइट, तो राइट को फिर से क्या करो, चेंज कर दो, क्योंकि हमें फाइनल डायरेक्शन पता है, फर्स्ट वाला डायरेक्शन नहीं पता है, तो ये चेंज हो जाएगा लेफ्ट में, तो ईस्ट से एक लेफ्ट जाएंगे, तो ईस्ट से एक लेफ्ट क्या होगा हमारा नॉर्थ, यहां से लेफ्ट जाएंगे 90 डिग्री तो क्या होगा आपका नॉर्थ आएगा, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। तो ये आपका हो गया टाइप टू के स्टार्टिंग डायरेक्शन जब पता करना होता है। अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर उठाता है बनाता है वो टाइप थ्री, इसमें आपका एंगल से क्वेश्चन आता है। ठीक, रोटेशन, एंगल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से आता है। इसमें क्वेश्चन एग्जामिनर ये बनाएगा आपसे कि एक व्यक्ति है जो नॉर्थ की तरफ चेहरा किया हुआ है, वो अब 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, फिर 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, लिखते जाओ जैसे बनाते जाओ पहले फिगर में, ये आपका डायरेक्शन हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। 90 डिग्री कोई व्यक्ति है नॉर्थ की तरफ फेस किया हुआ है, बोल रहा एग्जामिनर कि वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा तो मतलब किस डायरेक्शन में चलाएगा, ईस्ट की तरफ चलाएगा। अब वो 135 डिग्री, ठीक है 135 डिग्री फिर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है,
तो फिर से तुम 135 डिग्री इसे क्लॉकवाइज घुमाओगे तो 90 ये 45 ये 135 यहां चला आएगा, मतलब साउथ वेस्ट में चला आएगा, ठीक है। ये उसके बाद से बोला गया कि फिर से ये 135 डिग्री 180 डिग्री सॉरी 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, तो 180 डिग्री घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज में, तो फिर से ये नॉर्थ ईस्ट चला आएगा, फिर वहां से वो 45 डिग्री घूमता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो कहां चला आएगा, 45 डिग्री घूमेगा तो नॉर्थ में चला आएगा, फिर वहां से 90 डिग्री घूमता है तो वो बताइए किस दिशा में है, फिर वहां से 90 डिग्री वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो किस डायरेक्शन में होगा, वेस्ट डायरेक्शन में होगा। तो ये हो गया कि जितनी बार आपको बोले कि क्लॉकवाइज घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है आप इसी में घुमाओ, ये भी एक लेंथी प्रोसेस है। सेम जैसे हमने लेफ्ट और राइट टर्न वाला किया था वैसे इसे एंगल वाला करेंगे। जैसे आपसे क्वेश्चन इसी में बोला कि एक व्यक्ति उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है, मतलब डायरेक्शन उसका कौन सा है, नॉर्थ है, ठीक। अब वो कितना डिग्री घूमा, पहले 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, फिर 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, फिर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा, फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा, फिर वहां से वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा। तो जितने भी आपके क्लॉक और एंटी क्लॉक वाले हैं उनको प्लस कर लीजिए, फिर उनमें से माइनस कर दीजिए। जैसे क्लॉक वाले कितने आपको दिख रहे हैं, दो दिख रहे हैं, तो 135 प्लस 90 ये कितना हो जाएगा, 9 × 3 = 12, ठीक 225 डिग्री ये हो गया, और एंटी क्लॉकवाइज प्लस कर लें तो 180 प्लस 45 प्लस 90, तो 5 ये हो गया, 8 × 4 = 12, और 12 × 9 = 1, 315 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ठीक। तो जो बड़ा है उससे घटा देंगे, 315 माइनस 225 ये 0 आ गया, और यहां पे आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक। तो ये 90 डिग्री क्या, जो ये एंटी क्लॉकवाइज जो बड़ा है उसी का लिखा गया, ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, मतलब नॉर्थ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाए तो उसका आंसर आ जाएगा। तो नॉर्थ से जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो वो कहां पहुंच जाएगा, वेस्ट में पहुंच जाएगा। यहां पे देखिए हमारा इस डायग्राम से वेस्ट आंसर आ रहा था, जब नॉर्थ से 90 डिग्री घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज तभी भी आंसर क्या आएगा, वेस्ट आएगा। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, जैसे आप लेफ्ट और राइट टर्न वाला कॉन्सेप्ट यूज करते थे बस वही करना है। जितना बार बोले आपको क्लॉकवाइज टर्न हो रहा है और एंटी क्लॉकवाइज टर्न हो रहा है, क्लॉकवाइज को अलग प्लस कर लो, एंटी क्लॉकवाइज को अलग प्लस कर लो, दोनों में देखो कि कौन ज्यादा है, उसमें से माइनस करने के बाद जिसका ज्यादा होगा उसी टाइप से वो घूमेगा। जैसे यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा था तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस कर रहा था उससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, तो यहाँ कहाँ जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन में आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चौथा टाइप। चौथा टाइप में ही आपको फिगर की जरूरत पड़ेगी, जो मैं बोला था कि पूरे में आपको एक ही टाइप है जिसमें आपको विदाउट फिगर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है। तो चौथे टाइप में आपको निकालना क्या होता है, डिस्टेंस निकालना होता है, दूरी निकालनी होती है, और डायरेक्शन निकालना होता है विथ रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक। शुरुआती बिंदु से आपको डायरेक्शन निकालना होता है, ठीक। इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन इसमें यह है कि मान लीजिए राम है, वो नॉर्थ डायरेक्शन में फिगर बनाइए, नॉर्थ डायरेक्शन में 10 किलोमीटर चला, चलने के बाद वो अपने दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, ठीक। 6 किलोमीटर चलने के बाद फिर वो अपने दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, ठीक। और फिर वो अपने बाएं मुड़ता है, मतलब लेफ्ट टर्न लेता है, 6 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो अब आपसे पूछेगा इसमें
कि स्टार्टिंग पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से जिस फाइनल पॉइंट किस दिशा में है। देखो डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट, आपसे पूछा कि स्टार्टिंग पॉइंट से जब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है वो स्टार्टिंग से किस डायरेक्शन में है, तो जब आपसे इसके रिस्पेक्ट में पूछे तो फिगर की जरूरत है, क्योंकि हम अभी तक अगर नहीं पूछता था कोई डायरेक्शन तो डायरेक्ट उस पर लेफ्ट राइट पे कर लेते थे, मगर अब फिगर की जरूरत है। और आपसे पूछेगा कि आपका जो ये डिस्टेंस है स्टार्टिंग से और फाइनल का वो कितना है, तो चलिए स्टार्टिंग से फाइनल का डिस्टेंस हमारा ये होगा कुछ, इसी में पाइथागोरस का कॉन्सेप्ट लगेगा आपका। अब इसमें देखिए ये 12 है, तो मतलब ये वाला डिस्टेंस आपका 10 होगा, टोटल आपका ये 12 था, तो ये 10 होगा, ये 6 होगा और ये 2 होगा, और नीचे वाला ये कितना होगा, ये 6 और ये 6, टोटल 12, 12 ये होगा, 2 ये होगा, और ये आपको ये डिस्टेंस निकालना है। तो पहला बात आपसे पूछा कि कितनी दूरी और किस दिशा में है, तो दूरी निकालनी है। तो कभी कभी आपका ऑप्शन ऐसा होता है कि डायरेक्ट डायरेक्शन से ही हो जाता है क्वेश्चन, डिस्टेंस निकालने की जरूरत ना पड़े, वो टाइम सेव हो जाएगा कि आप पाइथागोरस लगाने से बच जाओगे, मगर कभी कभी जब आपका डायरेक्शन सेम दिया हो सिर्फ डिस्टेंस बदला हो तब आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा क्वेश्चन में। कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करता हो सकता है आसानी से सेट कर दे और उसमें सिर्फ डायरेक्शन बदल दे और डिस्टेंस आपका सेम रखे, तो आपका डायरेक्शन जब बदल दे तो आप पहले डायरेक्शन निकाल लो कि किस डायरेक्शन में है। अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन देखें कि ये स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, तो हम जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसी पे एक डायरेक्शन है कि ऊपर नॉर्थ होगा, ठीक, और ये नीचे साउथ, ये इधर ईस्ट होगा और इधर वेस्ट होगा। तो देखो जब ईस्ट और साउथ के बीच में ये जा रहा है, यही है इसकी फाइनल डायरेक्शन, तो ये कौन सी डायरेक्शन है स्टार्टिंग पॉइंट से, साउथ ईस्ट। तो हम बोल देंगे कि जो फाइनल पॉइंट है इसका, जो इंसान पहुंचा है फाइनल पॉइंट पे, वो किधर है, स्टार्टिंग पॉइंट से साउथ ईस्ट में है, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर इसका। अगर पूछे आपसे कि इसका डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस आपको निकालना है स्टार्टिंग पॉइंट से, तो ये हमारा डिस्टेंस होगा। अब इस डिस्टेंस को मान लेते हैं हम एक्स, तो हम लगा देंगे इसमें पाइथागोरस, क्योंकि ये 90 डिग्री होगा, ये 2 है और ये 12 है, तो एक्स निकालना है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर 4 प्लस 144 146, तो एक्स बराबर अंडर रूट 146 किलोमीटर आपका ये आएगा आंसर। तो बोलोगे अंडर रूट 146 किलोमीटर साउथ ईस्ट में है स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक। तो ये हमारा हो गया जब डिस्टेंस और डायरेक्शन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछे, ठीक। इसे क्वेश्चन में कराऊंगा जो क्वेश्चन सेशन होगा डिस्टेंस डायरेक्शन का। अगले टाइप पे पहुंचते हैं हम, अगला टाइप हमारा ये है पांचवा टाइप। पांचवा टाइप में घड़ी का रिलेशन पूछता है, इसमें घड़ी की जो सुइयां होती हैं उससे रिलेशन पूछता है आपका। पांचवा टाइप है क्लॉक रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है, ठीक। क्लॉक रिलेटेड क्वेश्चन, क्लॉक रिलेटेड क्वेश्चन मतलब कि इसमें जैसे बोला कि घड़ी है कोई, उस घड़ी में 4:30 हो रहा है, ठीक। जब 4:30 हो रहा है और आपके जो घड़ी की घंटे की सुई है, जो आवर हैंड है, वो नॉर्थ डायरेक्शन को शो कर रही है, तो बताइए कि मिनट हैंड है वो कौन सी दिशा को बताएगी, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस ये देखना है कि हमारा ये डायरेक्शन होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट
वेस्ट, और इसके सब डायरेक्शन होते हैं आपके नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ठीक, अब ये बोला 4:30। हम सभी जानते हैं जब घड़ी में 3 बजता है, ये 12, ये 3, 6, 9, ये डायरेक्शन आपकी ईस्ट होगी और ये नॉर्थ होगी। जब 3 बजेगा तो घंटे की सुई किधर होती है? ईस्ट की तरफ। और मिनट की सुई किधर होती है? नॉर्थ की तरफ। तो अगर 4 बज रहा है, 4:30 हो रहा है, तो आपकी जो सुई होगी घड़ी की वो कुछ यहां होगी घंटे की, और मिनट की सुई इस पे होगी 6 पे एग्जैक्ट, और ये 4 और 5 के बीच में होगा। मतलब ये साउथ होगा तो ईस्ट और साउथ के बीच में ही डायरेक्शन होगा। ठीक, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा आवर हैंड है वो एक्चुअल में जो होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी? वो साउथ ईस्ट होगी, क्योंकि वो इस कोऑर्डिनेट में पड़ेगा ईस्ट और साउथ के बीच में। तो ये पूरा पूरा क्या होता है? साउथ ईस्ट होता है। तो हम कह सकते हैं कि आवर हैंड हमारा साउथ ईस्ट में होगा, मगर एग्जामिनर बोल रहा है कि वो साउथ ईस्ट में ना होके किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ में। तो हम बोल सकते हैं जो साउथ ईस्ट है हमारा ये क्या बन गया है? नॉर्थ बन गया है। ठीक है, साउथ ईस्ट अगर नॉर्थ बन जाए तो कैसे नॉर्थ बनेगा? साउथ ईस्ट को अगर हमें नॉर्थ बनाना हो तो हम कहां से, यहां से कितना डिग्री चलेंगे? ये साउथ ईस्ट अगर नॉर्थ बने तो यहां से ये कितना डिग्री होगा? ये देखो, ये डायरेक्शन कौन सी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। ये हो गया 90 डिग्री और ये 45 डिग्री, तो 135 डिग्री हमें एंटी क्लॉकवाइज घूमना होगा साउथ ईस्ट को नॉर्थ बनाने में। ठीक, बस वही कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो मिनट हैंड हमारा 6 पे होगा, मतलब साउथ डायरेक्शन में होगा ओरिजिनली, मगर डायरेक्शन यहां चेंज हुआ। यहां ओरिजिनली आवर हैंड साउथ ईस्ट में ना होके नॉर्थ में है, तो यहां पे डायरेक्शन हमारा चेंज हुआ है। डायरेक्शन ये चेंज हुआ है कि जो हमारा यहां मिनट हैंड साउथ में होगा तो अब वो साउथ में होना चाहिए, मगर वो साउथ में नहीं होगा, वो भी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो साउथ से एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूमे, कहां पहुंचेंगे? देखो, ये आपका साउथ जो है 135 डिग्री घूमा एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां नॉर्थ ईस्ट में पहुंच गया। तो हम बोलेंगे कि जो हमारा मिनट हैंड होगा वो कौन से डायरेक्शन में होगा? नॉर्थ ईस्ट में होगा। ठीक है, आंसर हमारा होगा नॉर्थ ईस्ट में होगा। ऐसे ही एक और क्वेश्चन आता है, ये तो क्लॉक से हो गया। क्लॉक से एक क्वेश्चन आता है आपका इसमें कि डायरेक्शन को पूरा का पूरा रोटेट कर देता है। डायरेक्शन रोटेट मतलब अभी ये घड़ी के कॉन्सेप्ट में चला, सेम कॉन्सेप्ट पे कि बोलता है क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर कि हमारा जो ये क्वेश्चन देखते हैं, आपसे बोल रहा है कि साउथ जो है हमारा वो नॉर्थ ईस्ट हो जाता है, तो बताइए कि साउथ वेस्ट क्या होगा हमारा। मतलब इसमें चेंज कर दिया कि जो हमारा साउथ है वो नॉर्थ ईस्ट हो जाए। तो हम देखेंगे इसमें हमारा जो साउथ है ये नॉर्थ ईस्ट होगा, तो इसे कितना चेंज होना पड़ेगा? इसे 135 डिग्री चेंज होना पड़ेगा। किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज में 135 डिग्री चेंज होगा। तो जब ये 135 डिग्री क्लॉकवाइज इधर आएगा तभी ये नॉर्थ ईस्ट होगा हमारा साउथ। तो उसी केस में कि हमारे जितने डायरेक्शन होंगे सब 135 डिग्री शिफ्ट हो जाएंगे, सब 135 डिग्री शिफ्ट होगा, इसका मतलब ये भी 135 डिग्री शिफ्ट होगा। तो जब ये 135 डिग्री शिफ्ट होगा तो यहां चला आएगा। ठीक, क्योंकि 90 ये और 45 ये, तो हमारा जो साउथ वेस्ट होगा वो क्या बन जाएगा? ईस्ट बन जाएगा। ठीक, तो वही पूछा था कि साउथ वेस्ट हमारा क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा। ऐसे ही ये डायरेक्शन जो हमारी है साउथ ईस्ट, ये 135 शिफ्ट होगी तो वो क्या बन जाएगी? वो वेस्ट बन जाएगी। तो वेस्ट हमारा क्या बन जाएगा? साउथ ईस्ट बन जाएगा। ऐसे ही ये 135 डिग्री शिफ्ट होगा तो ये क्या बन जाएगा? हमारा वेस्ट बन जाएगा। ठीक, ऐसे ये अगर 135 डिग्री शिफ्ट होता है ये हमारा नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट 135 डिग्री शिफ्ट होगा तो ये हमारा बन जाएगा यहां पे नॉर्थ वेस्ट। ठीक,
तो ये हमारा शिफ्टिंग का हो गया कि अगर एक कोई शिफ्ट होता है जितने डिग्री से, उतने ही डिग्री से सभी हमारे जितने भी हमारे डायरेक्शन है, सब डायरेक्शन है, मेन डायरेक्शन है, वो सब शिफ्ट होते चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं कि अगर हमारा ईस्ट जो है, ईस्ट जो है साउथ नॉर्थ वेस्ट हो जाए, ईस्ट जो है हमारा नॉर्थ वेस्ट हो जाए तो हमारा साउथ वेस्ट क्या होगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। डायरेक्शन बनाते हैं हम, ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, और ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट, और ये हो गया साउथ वेस्ट, और ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। ठीक, अब क्वेश्चन बोला अगर ईस्ट हमारा नॉर्थ वेस्ट हो जाए, जो हमारा ईस्ट है वो क्या हो जाए, नॉर्थ वेस्ट हो जाए, मतलब ये पूरा का पूरा यहां आ जाए, तभी तो ईस्ट हमारा नॉर्थ वेस्ट होगा। तो इसका मतलब ये कितना डिग्री चला, 90 ये या 45 ये, ये भी 135 डिग्री क्लॉकवाइज, 135 डिग्री से कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, तो ये हमारा नॉर्थ बन जाएगा। ऐसे ही हमारा नॉर्थ ईस्ट जो है 145 डिग्री से यहां पे आ जाएगा, तो ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ऐसे हमारा जो ईस्ट है, ठीक है, जो हमारा ईस्ट है वो 145 डिग्री से कहां आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ईस्ट बन जाएगा। तो हम यहां बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, ईस्ट हो जाएगा। अगर हमारा ईस्ट जो है, अगर जो ईस्ट है वो क्या हो जाए, नॉर्थ वेस्ट हो जाए, तो साउथ वेस्ट क्या होगा, साउथ वेस्ट ईस्ट हो जाएगा। और ऐसे ही जो हमारा ये वेस्ट है वो क्या हो जाएगा, ये हमारा वेस्ट जो है साउथ ईस्ट हो जाएगा, और साउथ ईस्ट हो जाएगा तो हमारा ये नॉर्थ वेस्ट जो है वो क्या हो जाएगा, ये यहां से आपका ये साउथ चलेगा, तो यहां से ये साउथ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नॉर्थ है तो जस्ट अपोजिट में साउथ होगा, और ये यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट है तो नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, साउथ वेस्ट होता है। ठीक, तो ये डायरेक्शन हमारे सभी जो है 135 डिग्री से चेंज हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन आपसे उठता है इसमें डिस्टेंस डायरेक्शन में, ठीक, ये तो टाइप 5 हो गया,